कहता है टू पिच बॉल हैविंग चार्ज क्यू सस्पेंडेड फ्रॉम एक कॉमन स्ट्रिंग से एक में बॉल दो बॉल अटैच कर दिया हूं और ये वाई है ये आर है। अब हुआ क्या, उनके बीच का सेपरेशन कुछ टाइम बाद मेरा ऐसा मन किया कि वाई को घटा दूं, तो वाई को घटा दूंगा तो आर जो है वो आर डैश हो जाएगा कुछ ये क्लैम्प्ड एट हाइट हाफ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द नाउ। अब अभी भी मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलना है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम था और इस पॉइंट को मैं वाई वाई टू कर दिया आधा लाया, अभी भी इक्विलिब्रियम है। तो उस इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में आर डैश की वैल्यू आर के टर्म में निकालना यार, तो ये सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले केस में आप सॉल्व कर लो, यहीं पे आपको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो पहले केस में इसको सॉल्व करो, फर्स्ट वाले केस में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन टी ऊपर गया, अगर ये थीटा है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिकल रिपल्सन है वो इधर लगेगा और एम जी इधर लगेगी, कुल मिला के कितने फोर्स लग गए भाई, तीन फोर्स लग गया। अब इक्विलिब्रियम है तो अगर ये थीटा है तो वर्टिकल से स्ट्रिंग यहाँ थीटा होगी और ये टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर गया टी कॉस थीटा जो कि वेट को बैलेंस करेगा, और एक कंपोनेंट इधर गया टी साइन थीटा जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो पहला जो इक्वेशन है वो बना टी साइन थीटा बैलेंस किया इलेक्ट्रिकल को, और इलेक्ट्रिकल की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ के क्यू ओवर आर का स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और टी इक्वेशन नंबर फर्स्ट टी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ वेट एम जी को बैलेंस कर लिया। अब इन फर्स्ट में सेकेंड में फर्स्ट वाले में से सेकेंड में डिवाइड कर दो तो मुझे टैन थीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या जरूरी है खोलने को, जरूरत नहीं है ऐसे ही रहने दो। तो के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एम जी, ये एक्सप्रेशन मुझे मिल गया। समझने की कोशिश करना, हमें क्या चाहिए, आर डैश की वैल्यू चाहिए आर के टर्म में। अब अगर यहीं पे मैं टेन थीटा की वैल्यू वाई और आर के टर्म में भी लिख सकता हूँ, चलो एक यहाँ पे इसी ट्राइंगल में आ जाओ, इस वाले ट्राइंगल में, तो यहाँ से तुम देख रहे होगे यहाँ से इस वाले ट्राइंगल में ये वाई है और ये आर बाई टू है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा आ जाएगा मेरा आर बाई टू पी बाई वाई, बराबर है। इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा आर अपॉन टू वाई, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। थोड़ा अगर मैं ढंग से लिखूं तो आर की पावर क्यू अपॉन टू वाई दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने कांस्टेंट एक साइड कर लिए, इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोल देता हूँ। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल के लिए सॉल्व करो, इस सिमिलरली इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दो सिमिलरली, सामने वाला समझदार है समझ जाएगा, आ रहा समझ में। तो tan थीटा मान लो ये एंगल हो गया थीटा डैश, तो यहाँ से मुझे मिला tan थीटा डैश की जो वैल्यू मिलेगी, के तो कभी बदला नहीं, चार तो वही रहा, सेपरेशन घटा आर डैश का स्क्वायर और एम जी, बराबर है। अब टेन थीटा की वैल्यू ये आर अपन वाई है और ये आर डैश बाई टू है, तो यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं भी लिख लेता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू आर डैश बाई टू और यह आ जाएगा वाई बाई टू, तो टू ने टू को और यह आ जाएगा के क्यू स्क्वायर ओवर आर डैश स्क्वायर एम जी, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा आर डैश की वैल्यू, तो आर डैश क्यू इसको उधर ले गए और अपॉन वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। इन दोनों कांस्टेंट को मैंने एक साइड कर लिया, अब ये दोनों को बराबर कर दो, आर और आर डैश रिलेट हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक हुआ इन दोनों को बराबर इक्वेट कर दूँ तो 3/2y दैट इज इक्वल टू आर डैश की पावर q अपॉन y, तो y ने y को, तो आर डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो r बाई टू, इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, r डैश इज इक्वल टू r बाई डिवाइडेड बाई 2
की पावर 1/3 मतलब ए आर डिवाइडेड बाई डी ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं।